खेसारी लाल यादव अपनी हीरोइन सौम्या को गले लगाकर फूट फूट कर रो रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि खेसारी लाल यादव को सौम्या को गले लगाकर फूट फूट कर रोना पड़ा। हमेशा अपनी मस्त मौला अंदाज में गीत गाकर दर्शकों को हंसाने वाले खेसारी लाल यादव अपने दर्द भरा गाना हरदी लागे जान के सभी को रुला दिया है। यही नहीं, इस गाने में खेसारी लाल यादव और उनकी महबूबा सौम्या पोखरेल भी एक दूसरे को गले लगाकर खूब रोती हुई दिखाई दे रही है। ये दर्द भरा गाना दर्शकों को इतना पसंद आ रहा है कि महज 24 घंटे के भीतर ही इस गाने को 3 मिलियन यानी कि 30 लाख व्यूज मिल चुके हैं। इस गाने को करीब 3 लाख लाइक्स भी मिले हैं और 46,000 कमेंट्स। इस गाने को बीते दिन पटना में ही होटल बनासी में भव्य पार्टी के साथ लॉन्चिंग की गई थी। इस दौरान खुद अभिनेता खेसारी लाल यादव और अभिनेत्री सौम्या पोखरेल भी मौजूद थी। खेसारी लाल यादव के खास चर्चित भोजपुरी गीतकार अखिलेश कश्यप की मौजूदगी में अन्नपूर्णा फिल्म्स के बैनर तले इस गाने को लॉन्च किया गया था। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने बताया कि ऐसे तो मेरे कई गाने हर महीने रिलीज होते हैं, पर ये गाना हरदी लागे जान की मेरे लिए कुछ खास है, क्योंकि आजकल शादी विवाह यानी लग्न का माहौल चल रहा है। नेपाल की रहने वाली शादीशुदा अभिनेत्री सौम्या पोखरेल मेरे साथ इस वीडियो में नजर आएगी। वो बहुत प्यारी है, मुझे जितना आप लोग प्यार करते हैं उतना सौम्या पोखर को भी दीजिए। उन्होंने कहा कि इस गाने को रिकॉर्ड व्यूज मिले हैं और ये गाना रिकॉर्ड बनाकर इतिहास बनाए। साथ ही गाने में मैं दिल से सबको प्रणाम करता हूँ। आपको बता दूं कि इस गाने में खेसारी लाल यादव ने अभिनय करने के साथ साथ इस गाने को खुद गाया है और उनके ओपोनेंट में नेपाल की रहने वाली शादीशुदा अभिनेत्री सौम्या पोखरेल। वही इस गाने में लिरिक्स अखिलेश कश्यप ने दिए हैं तो म्यूजिक राज गाजीपुरी ने गाने को डायरेक्ट और आर्यन देव ने की है। साथ ही आपको बता दें कि इस गाने को लेकर जो सुपरस्टार है वो पटना भी आए थे और जमकर इसका प्रमोशन भी किया था। साथ ही आपको बता दें चले कि जब वो इस गाने के प्रमोशन के लिए आए थे तो उस वक्त भी वो पवन सिंह पर बरसना नहीं भूले थे। पवन सिंह के बारे में बहुत कुछ कहा था और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया था कि कैसे उनकी स्ट्रगल की कहानी थी, क्या कुछ उन्होंने झेला है और कहां से वो कहां तक पहुंचे हैं। इस दौरान बिहार इंसॉर्ट्स आपको लगातार उनके इस गाने से अपडेट की हर एक वीडियोस दिखाते आ रहा है कि वो जब पटना आए थे तो उन्होंने किस किस मुद्दे पे बात की थी, क्या कुछ कहा था। आपको बिहार इंसॉर्ट्स लगातार अपडेट भी दिखा रहा है कि जब वो पटना आए थे तो किस किस मुद्दे पर उन्होंने बात की थी। तो आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, आप क्या सोचते हैं कि जो ये गाना है आपको कैसा लगा हरदी लागे जान के, जिसमें वो अपनी प्रेमिका अपनी जो स्टार है को स्टार उसको पकड़ कर फूट फूट कर रो रहे हैं। आपको ये सीन कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स, हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।